रहीम, मैं हूँ आज़ाद सोच वाला। आज आपके साथ तीन जो आपको काम करने के लिए चीज़ें रोकती हैं उनको रिमूव, आपके जहन से रिमूव करने के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर वन, सुबह सवेरे आपने उठना है, इरादा पुख्ता करना है नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद इरादा आपने पुख्ता करना है कि ये काम करना है। कोई भी काम, कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, सिर्फ फजर की नमाज के बाद नियत करनी है कि इस काम को मैंने एक जाए तकमील तक पहुंचाना है, तो मैंने करना है। कुछ भी हो जाए, मैंने आज सुबह नमाज के बाद वादा अपने आप और अपने रब के साथ किया कि इस काम को मैंने पूरा करना है। फर्स्ट ये हो गया। दो नंबर पे आपने उन लोगों से दूर रहना है जो उस काम के लिए आपको मायूस करें, रोकें, मजाकें उड़ाएं, हंसें, उन लोगों से आपने कतई दूर रहना है। उनको मुंह ही नहीं लगाना, उनको साइड पे रखना है। कोई भी हो, चाहे आपके घर वाले हों, मैं उनको ये अच्छा नहीं है कि कोई अगर आपका रास्ता रोके, उनसे आपने दूर रहना है जैसे कैसे ही। पहली बात बताना नहीं, बिस्मिल्लाह करके शुरू कर लेना है। अगर किसी को पता भी चल जाए जब, उनको इग्नोर करना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपको देख लें तो आपने स्ट्रेट ओवर उनको रोक देना है। उनके साथ आपने बिल्कुल ही तलक टाइम, जब जॉब के जब आप काम कर रहे हैं उस वक़्त ला तलकी का इजहार करना है। तो तीसरा तीसरा और लास्ट जो आप करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के लिए वो आपको फ़ायदेमंद होगा। तीसरा नंबर, आपने सुबह की प्लानिंग रात को करनी है। जैसे आप सुबह की प्लानिंग करेंगे, जो इरादा, जो काम, जो चीज़ करनी है उसका इरादा आप पुख्ता रात को करें और अपने परवरदिगार से दुआ करके सोएं कि मैं सुबह उस इरादा उस काम को पूरा करूं। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज़ाद सोच वाला, अल्लाह हाफिज़।